लॉकडाउन के दूसरे चरण में मंगलवार को महेवा सब्जी मंडी में लगभग पूरी तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। इस संबंध में मंडी सचिव सेवाराम वर्मा ने बताया कि मंडी में सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखने के लिए इंस्पेक्टर, सहायक और 10 सुरक्षा गार्डों की ड्यूटी लगाई गई है, जो व्यापारियों पर नज़र रखते हैं। व्यापारी जो पहले पास दुकान लगा रहे थे, इसके लिए 2 अलग अलग लेन बढ़ा दिया गया है। इनकी दुकान आगे कर दिया गया है, जिससे कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो सके और मंडी में केवल पास वाले फुटकर व्यापारी आते हैं। सोशल डिस्टेंस की जागरूकता के लिए साउंड सिस्टम से प्रातःकाल से ही अनाउंस भी कराया जाता है, जिससे कारण सभी लोग मास्क लगाकर ही मंडी में आते हैं। जो नहीं आते हैं उनको वापस कर दिया जाता है। इस समय 99% मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए मंडी सचिव सेवाराम वर्मा ने कहा, सेवाराम वर्मा मंडी सचिव। मंडी में इंस्पेक्टरों की, सहायकों की एवं 10 सुरक्षा गार्ड इसमें लगाए गए हैं, जो प्रत्येक दुकानों पर बराबर नज़र रखते हैं कि कोई भी व्यक्ति कहीं भीड़ न लगा पावे। एक गश्ती दल भी रहता है जो बराबर मूवमेंट में रहता है। व्यापारी जो पहले पास पास में अपनी दुकानें लगा रहे थे, इनके लिए 2 अलग लेन बढ़ा दिया गया है और इनको यहाँ से हटाकर आगे कर दिया गया है। इस तरह से काफ़ी दूर दूर दुकानें कर दी गई हैं, लगाने के लिए स्थान नियत कर दिया गया है, जिससे हमारी मंडी में सोशल डिस्टेंस मेंटेन है। और मंडी में आने वाले भी केवल फुटकर व्यापारी आते हैं, पास धारक होते हैं। बिना पास के एंट्री जो है रोक दिया गया है। कंज्यूमर नहीं आ पाते हैं क्योंकि फुटकर बिक्री को पूर्णतः रोक दिया गया है। इस तरह पूरा सोशल डिस्टेंस मेंटेन है। सर, मास्क को लेकर मंडी में क्या कहा? मास्क के लिए हम लोगों ने स्वयं 3000 मास्क ये ठेला वालों को वितरित कराया गया है और बराबर ये रखा है, जो भी व्यक्ति बिना मास्क के या बिना गमछे मुंह ढके आता है उसको वार्न किया जाता है, अलर्ट किया जाता है। प्रायः हम लोग ये देखा है कि लगभग 98% हमारे यहाँ मंडी में मास्क लगा कर ही आते हैं और जो नहीं आता है उसको इसके लिए अवेयर किया जाता है। बराबर ये साउंड सिस्टम से अनाउंस भी कराया जाता है कि मास्क लगा करके ही मंडी में आएँ, डिस्टेंस बना कर चलें।